अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है जी। आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी वो है जी पोटैटो चीज़ ब्रेड पकोड़ा। बहुत ज़बरदस्त बनती है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। अब रोज़े भी आने वाले हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा इस रेसिपी को लाइक करेंगे। इसको आप हाई टी पे भी बना सकते हैं और इवनिंग टी पे भी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं और आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने आधा किलो आलू लिए हैं, इनको बॉईल कर लिया है। मैं इनको पील करके फिर बॉईल करती हूँ और इनको मैश कर दिया है। ये जी ब्रेड स्लाइसेस हैं, जितने आपने बनाने हैं उतने ले लें। आलूओं में जो चीज़ें पहले जाएंगी वो आपको बता देते हैं। इसमें मैंने हरा धनिया लिया है, प्याज लिया है और हरी मिर्चें ली हैं। ड्राई मसालों में 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टीस्पून भर के कुटी हुई मिर्ची है, कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया 2 टीस्पून भर के है, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर है और 1/2 टीस्पून ही चाट मसाला है। ये जी 2 कप बेसन है और बेसन में जो मसाले जाएंगे वो ये हैं। 2 टेबलस्पून चावल का आटा, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला। ये जी कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया है, ये 1 टीस्पून है मिक्स। ये जी 1 कप मोज़रेला चीज़ है। सबसे पहले आलूओं का मिक्सर बना लेते हैं। ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स चाहेंगे। इसके बाद ये हरा मसाला, इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखें जी, मसाला हमारा बड़े अच्छे से मिक्स हो गया है और तैयार हो गया। इसको एक साइड पर करते हैं। अब बेसन का बैटर बनाते हैं। ये जी बेसन है, इसमें ये मैं चावल का आटा, सॉल्ट, कुटी हुई मिर्चें, अमचूर पाउडर, चाट मसाला, कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा, इनको डाल के तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पानी से बैटर बनेगा। बैटर बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए और बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए। ये देखें फ्रेंड्स, ये हमारा बैटर रेडी हो गया है। ये देखें, ना ज़्यादा पतला है और ना गाढ़ा है, ठीक है जी। अब इसमें मैं 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालूंगी और इसको अच्छे से मिला लेते हैं। ये देखें जी, ब्रेड का एक स्लाइस लिया है, इसके ऊपर मैं चीज़ रखूंगी, पूरा चीज़ फैला देंगे। ये देखें, मैंने चीज़ से कवर कर लिया। अब इसके ऊपर आलू लगाते हैं। अब आलू से अच्छे से कवर कर देंगे। ये देखें, आलू के मिक्सर से मैंने अच्छे से इसको ऊपर से कवर कर दिया है। अब दोबारा से चीज़ लगेगा। ये देखें फ्रेंड्स, चीज़ से अच्छे से कवर कर दिया, मोज़रेला चीज़ है। इसके ऊपर अब ब्रेड का स्लाइस रखेंगे, अच्छे से इसको दबा लें जी। ब्रेड से कवर करके अब इसको कट कर देती हूँ सेंटर से, ट्राइंगल। ये देखें, इसी तरीके से सारे सैंडविचेस बना लेती हूँ। हमारे बन गए हैं पकौड़ास। इसको अब हम बेसन वाले बैटर में डिप करेंगे अच्छे से। ये देखें जी, कढ़ाई में मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रखा हुआ था, अब मैं कढ़ाई में डालूंगी इसको जी। दोस्तों, कितने ज़बरदस्त से फ्राई हो रही हैं, एक साइड से गोल्डन हो गए हैं तो मैंने पलटा है उनको। ये देखें जी फ्रेंड्स, माशाल्लाह से हमारे बड़े ज़बरदस्त से पोटैटो चीज़ ब्रेड पकौड़ा तैयार है। इसको आप इंजॉय करें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। ये देखें, ये माशाल्लाह से देखें कितने ज़बरदस्त बने हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। लाजमी आपने ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है। और प्लीज़ मेरे रेसिपीज़ को लाइक और शेयर कर दिया करें। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी प्लीज़ कर दे सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।